नमस्कार मित्रों, आज हम अपने इस चैनल पर कुछ खास चित्र बनाने जा रहे हैं जो है सांता क्लॉज का। ये क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है, इसलिए सांता क्लॉज का चित्र कर रहे हैं। लेकिन ये सांता क्लॉज गली गली मोहल्लों में नहीं घूमेगा, ये सांता क्लॉज अपने चैम्बर में ही बैठा रहेगा और मोबाइल से लोगों से संपर्क साधेगा, क्योंकि समय कोरोना काल का है, इसलिए इधर उधर जाने में थोड़ा सा परहेज कर रहा है। देखिए, ये सांता क्लॉज घर में बैठा है। सांता क्लॉज का पहले हल्का ड्राइंग कर लेना है, इसके बाद लाइट कलर से, वाटर कलर से अप्लाई करना है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान है बनाना। ये रहा उसका बैठने का सोफा या कुर्सी। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक हाथ में मोबाइल लिए हुए है, देख रहा है, और नीचे में कुछ गिफ्ट आइटम रखा हुआ है जो कि अभी बनाने जा रहे हैं। मेरा कंसेप्ट ये है कि आसपास के जो चीज़ें हैं वो देखने से पता चले कि ठंडे का मौसम है, और पीछे में चर्च भी बैकग्राउंड में दिखाएंगे, क्रिसमस ट्री भी दिखाएंगे। ये गिफ्ट का पैकेट है, तो आप लोग भी जब भी बनाए वाटर कलर में तो सबसे पहले हल्का ड्राइंग करें, और ठंडे के दिन में बनाने के लिए अच्छा है कि पूरे को भिगाए नहीं पेज को, जितना काम करना है उतना ही। सबसे पहले वाटर हल्का सा कलर लेके, इसके बाद धीरे धीरे सेकंड टोन थर्ड टोन में कलर को बढ़ाते जाना है। ये गिफ्ट है, खिलौना है, ये सब गिफ्ट पैक है। एक एक करके शांता बच्चों को बुलाएगा और सबको गिफ्ट देगा बारी बारी से। सबको फोन लगा रहा है, देखिए, आशा है कि ये बच्चों को अच्छा लगेगा और इसका प्रोसेस भी अच्छा लगेगा, इसका ड्राइंग भी अच्छा लगेगा। दाढ़ी मूछ में कलर नहीं देना है, हल्का हल्का सा कलर सिर्फ शैडो देना है। जहाँ जहाँ व्हाइट है वहाँ पर स्पेस को छोड़ देना है और सिर्फ शैडो देना है। वाटर कलर में थोड़ा सा लंबा कार्य करना पड़ता है, क्योंकि सांता क्लॉज का कंपोजिशन है तो कंपोजिशन में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए हम इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा करते हैं। धीरे धीरे सेकंड टोन वाले पेज से शुरू करते हैं।
लिप के लिए थोड़ा सा जगह है। ये वीडियो भी सिर्फ बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चों को सांता क्लॉस बहुत ही प्यारा लगता है और सांता क्लॉस भी बच्चों से बहुत प्रेम करता है। धीरे धीरे कलर का टोनिंग बढ़ाते जाना है। देखिए ये लगभग फेस तैयार हो गया है। कहीं कहीं पे जहां व्हाइट की कमी है तो थोड़ा सा व्हाइट टच कर सकते हैं। आईब्रो में थोड़ा सा व्हाइट हमने टच किया। ये उसका बेल्ट जो कि अपने पेट को कसे हुए रहता है, खाते पीते घर का है। तो आप देख रहे हैं कि आजकल इस वैश्विक महामारी में संत लोग भी लोगों से मिलने में परहेज कर रहे हैं। उनको भी डर है कि कहीं हमको भी इन्फेक्शन न हो जाए। इस तरह से सेकेंड टोन में थोड़ा डीप कलर देना है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा लाइट शेड का ध्यान रखना है। शेडो को थोड़ा सा और बढ़ाना है धीरे धीरे। ध्यान रहे कि वाटर कलर में हमेशा लाइट से डीप की ओर जाना है। अब थोड़ा सा इसका पर्सपेक्टिव, पीछे के दृश्य में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करना है। हमने एक क्रिसमस ट्री बनाया है और दूर में एक चर्च दिखाया है। सर्दी का मौसम है इसलिए दृश्य क्लियर नहीं है, फिर भी आभास हो रहा है कि सांता क्लॉस का जो परिवेश है, वातावरण है, वह अपने धर्म, अपने प्रतीकों के आसपास घूम रहा है। धीरे धीरे पीछे का जो चेयर है उसको थोड़ा सा डीप करना है, फेस को थोड़ा सा और डीप टोन देना है, हाथ में भी थोड़ा सा कलर का टोन देना है। टोनिंग को बढ़ाते जाना है सब जगह। आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ये वाटर कलर मीडिया में पेंटिंग तैयार हो जाएगी। ये मोबाइल टोन को और बढ़ाना है, डीप करना है, ताकि डायमेंशन पता चले। हम नीचे जितने भी गिफ्ट हैं वो सब एक एक करके निकालना है। पीछे बैकग्राउंड को, जो चित्र के आसपास का बैकग्राउंड है, उसको डीप करते जाना है। थोड़ा सा और डीप, पर्पल कलर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए कि पर्पल कलर कूल कलर होता है, ठंडा होता है, ठंडे के मौसम में इसलिए पर्पल कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एंजॉय का भी प्रतीक होता है।
गिफ्ट खुशी का प्रतीक होता है। और मोबाइल इन्फॉर्मेशन का प्रतीक होता है, आप लोग जानते ही हैं मोबाइल का युग है। इसलिए मेरा सोचना है कि सांता क्लॉस को भी थोड़ा सा अपडेट किया जाए। तो सबसे पहले गिफ्ट पैक तैयार कर लेना है, क्योंकि सांता क्लॉस जिस बच्चा को फोन करे वो आए और अपने हिस्से का गिफ्ट पैक ले जाए। बच्चों करीब करीब ये सांता क्लॉस तैयार हो चुका है, देखिए, और गिफ्ट देने के लिए तैयार है। आप लोगों को ये वीडियो आशा है कि अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के आएंगे।